हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हैं, आप लोग जानते हो ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है। तो करने तो सारे टॉपिक हैं, चलिए देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके एप्लीकेशन तक जाएंगे, पहले ही बता रखा है आपको क्वेश्चन डीपली करने, ताकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आराम से हो जाए। ठीक है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले वो ज्यादा बेटर है। इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक एस। बताओ कौन कौन से होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? पूरी केमिस्ट्री में तीन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कौन कौन से? फोन, फोन ध्यान रखना, ठीक है। वो वाला फोन नहीं, ये वाला फोन। फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। इट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। लाइक एज फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको समझना आपको जरूरी है, जैसे इट्स नॉट ए केमिकल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एक्चुअली में केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं करते हैं ना। तो इसको मैं बता देता हूं आगे आपको, बिकॉज ऑफ देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है उसको हम फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड बिकॉज देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स अ सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक एस वांडरवाल एंड डाइपोल डाइपोल। ये सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। प्राइमरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आप लोग जानते हैं, जैसे आयोनिक हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, दैट विल बी द प्राइमरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट ये जो आता है वो सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आता है, लाइक इज द वांडरवाल, डाइपोल डाइपोल। जहाँ पर हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे वहाँ पर और फर्दर इनको समझेंगे कि प्राइमरी फोर्सेस कहाँ पे होते हैं और सेकेंडरी फोर्सेस का नाम किस तरीके से दिया गया है। फिलहाल हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में, केमिस्ट्री में, ये नहीं है कि मेडिकल, आईआईटी, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप कर रहे हो तो आपसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को करना है इसे, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन, ये थे इसके कुछ
करेक्टरिस्टिक्स। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको इसी में करेक्टरिस्टिक्स में, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होता है, ऑक्सीजन एटम जो होता है, O2 इज अटैच्ड। देखिए यहाँ ऑक्सीजन गैस फॉर्म में मैंने O2 लिख दिया, बाकी O क्या होगा, ऑक्सीजन का एटम ही होगा, है ना। O2 इज अटैच्ड और बॉन्डेड विद फोर हाइड्रोजन एटम। फोर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है, इन विच टू आर कोवेलेंट एंड अदर्स टू एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन होता है फोर हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होता है, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, बाकी दो हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास इस तरीके से हैं, ठीक है ना, ये अब देखिए इस तरीके से हमने किया, हम यहां ये दिखा सकते हैं इसको, अब इसको कॉन्सेंट्रेट करो आप लोग, है ना, बाकी के सब का उधर होता जाएगा। फिलहाल आप इस ऑक्सीजन के एटम को कॉन्सेंट्रेट करिए, इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, फोर, वन टू थ्री एंड फोर। ये जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोवेलेंट हैं क्योंकि यहाँ से शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, जबकि ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई या डिनोटेड बाई डॉटेड लाइन्स। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से। ये एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आया भी हुआ है मेडिकल वगैरह में ये क्वेश्चन, अगर यहाँ पर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन बोल दिया जाए आपसे कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, तो आप लोग देख रहे हो वाटर में ज़्यादा होगी। अच्छा, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको यहाँ और सिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो इस तरीके से होता है, अगर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए यानी स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए तो HF का आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पे क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे पाई जाएगी, जबकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक आध दो बच्चा थोड़ी सी मिस्टेक कर जाता है, वो ये सोचता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा, नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं पूछा, इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले कौन सा होगा हमारे पास, H2O, HF एंड NH3, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा। दूसरा अगर स्ट्रेंथ वाइज पूछ लिया जाए तो मैंने वहाँ पे ऑर्डर लगा रखा है, दोबारा आपको बता देता हूँ, ये स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, नोट करिए एक बार। देखिए अब करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये फर्दर टू टाइप्स की होती है, एक बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। अच्छा बताइए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगी? तो आप कहेंगे व्हेन टू एंड मोर देन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किसको बोलेंगे? इट इज फाउंड या इट इज फॉर्म्ड बिटवीन सिंगल मॉलिक्यूल्स। It is formed in between two and more than two molecules. For example, H2O, NH3, and HF, etc. अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या चीज़ है कि जैसे HF में भी कभी कभार MSc वगैरह में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी। तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि जैसे हम कुछ भी बना सकते हैं तो वो चलेगा? एक्चुअली में इसमें नहीं चल सकता, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तो ये इस तरीके से एक कहीं आपको ये बना के दे देगा वो, तो बताइए इसमें आप कौन सी लगा के आने वाले हो? ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं बनेगा। ध्यान रखना क्यों नहीं बनेगा कि यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ऑलवेज ऊपर दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऊपर दिख रहा है तो ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। एक चीज़ और आपको समझ में आई इसमें, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे HCN है ये मॉलिक्यूल लीनियर बनती है इसकी भी, है ना, HCN की भी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फॉर एग्जांपल ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हो आप लोग ये सिंगल मॉलिक्यूल्स के बीच में बन गई। तो सिंगल मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने में मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स में बन रही है, ठीक है ना, और आप लोग यहां देख रहे हो कई सारे मॉलिक्यूल्स में बन रही है। तो जब कई सारे मॉलिक्यूल्स में बने तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बोलते हैं, और सिंगल मॉलिक्यूल्स में बने तो उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं आपको, बताइएगा ये किसके एग्जाम्पल है। बताइए किसके एग्जांपल्स हैं? यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? टू। अब टू मॉलिक्यूल्स आ गए तो कौन से करोगे आप लोग? इंटरमॉलिक्यूलर। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूँ, बताइएगा ये किसका एग्जांपल होगा आपके हिसाब से।
बताइए किसका एग्जांपल है? इंटरमॉलिक्यूलर का, है ना? इंटरमॉलिक्यूलर का क्यों होगा बताओ? क्योंकि इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, थ्री मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल किसका एग्जांपल है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का। और इंटरमॉलिक्यूलर का कौन सा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और नोट करिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर मोर फेवर्ड ओवर दी इंटरमॉलिक्यूलर। जब भी कभी आप देखेंगे फेवर वाली बात आएगी तो कौन सी वाली डोमिनेंसी दिखाएगी? स्टूडेंट को क्या लगता है कि कई सारे मॉलिक्यूल्स में बन रही है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा डोमिनेंसी दिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इंटर और इंट्रा दोनों में देखा जाए तो हम क्या कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर मोर फेवर्ड ओवर द इंटरमॉलिक्यूलर। रीजन क्या है कि जब यहाँ पर क्लेशन होता है, जब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो इसमें आपको बताया था कि जितना ज़्यादा किलेटिंग कंपाउंड होंगे उतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो किलेशन होने पे क्या होता है कि एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होता है, आप लोग जानते ही ऑलरेडी, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो जब यहाँ किलेशन हो रहा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर में तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं। उसके लिए जो एंट्रोपी की वैल्यू होती है, चेंज इन एंट्रोपी, वो पॉजिटिव होती जाती है। और चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होती जाती है इसका मतलब डेल जी जो है वो नेगेटिव होती जाती है। जितनी ज़्यादा डेल जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा रिएक्शन फेवर करता जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप किसको लगा के आने वाले हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग ड्यू टू चेंज इन एंट्रोपी फेवर बिकॉज ऑफ किलेशन आर हेयर। ठीक, अगला देखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अफेक्ट करेंगे? नंबर वन इज, ठीक है, कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस। जितना ज़्यादा ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, कंसेंट्रेटेड ज़्यादा होगा, कंसेंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रांग होगी। दूसरा वाला, सपोज करिए हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीजेस तो क्या होगा बताओ? वॉल्यूम डिक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस। जितना हम प्रेशर लगाएंगे वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। और ये चीज़ आप जानते हैं बॉयज लॉ में, जितना प्रेशर हम लगाएंगे वॉल्यूम कम होगा, तो प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस। थर्ड वाला है टेम्परेचर इंक्रीजेस, जितना टेम्परेचर लगाएंगे वहाँ से बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। फोर्थ वाला है हमारे पास, चलिए देखिए हम लोग करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट छूट गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ वाला जो फैक्टर्स अफेक्टिंग चल रहे थे, फोर्थ वाला पॉइंट ये था, नंबर ऑफ वेज बॉन्ड इंक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, लास्ट वाला ग्लिसरिन है,
तो आप देखिए इसमें नंबर ऑफ OH कहाँ पे हैं, थर्ड वाले में है, ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरिन बोलते हैं थर्ड वाले को, एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी। एक NTPC में आ गया था एग्जाम में कि हाईली विस्कस लिक्विड कहाँ पे होगा, तो ध्यान रखिएगा जितना ज़्यादा, यही क्वेश्चन था सेम, जितना ज़्यादा H बॉन्डिंग होगी वो लिक्विड हाईली विस्कस होगा। ठीक है, ये हमारे पास थे फैक्टर्स अफेक्टिंग। यहाँ थोड़ा सा देखिए इसका एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन में नंबर वन, एसिटिक एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 120 बिकॉज इट एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म इन गैसियस और बेंजीन। कभी बेंजीन भी कह दे तो भी ध्यान रखिएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है ये, नॉन पोलर सॉल्वेंट। स्टूडेंट को क्या लगता है कि अच्छा बेंजीन में नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है, दोनों फॉर्म में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी और गैसियस फॉर्म में, ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी की वजह से इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है 120। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इस तरीके से ये डाइमेरिक फॉर्म एच बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा वाला क्या क्वेश्चन आता है कि H2O इज अ लिक्विड व्हाट H2S इज अ गैस व्हाई। देखिए ये दोनों ही एक ही ग्रुप में आते हैं, जैसे अगर आप बात करेंगे तो ग्रुप 16 में होता है ओल्ड स्टाइल से TPO, तो ये ग्रुप एक ही में है तो एक ही जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एच बॉन्डिंग होती है और इसमें एच बॉन्डिंग नहीं होती है। एच बॉन्डिंग होने की वजह से दैट विल बी द लिक्विड व्हाइल दिस इज द गैस इन नेचर। तो आप जब रीजनिंग आ गई इस तरीके से तो आंसर क्या लगा के आने वाले थे, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। फोर्थ थर्ड वाला क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ वाला क्या लिखेंगे हम, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन H2O ड्यू टू द रीजन इट फ्लोट, उस पर तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कैसी होती है, वाटर से कम होती है। ठीक है, ये एप्लीकेशन थी। और देखिए जैसे DNA में अगर H बॉन्डिंग देखें तो कैसे होती है, इसमें दो बॉन्ड होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, AT एडिनिन थाइमिन, ग्वाइनिन एंड साइटोसिन में कितने होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एप्लीकेशन है H बॉन्डिंग के, इसको आपको ध्यान रखना है और आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको ऐसे ना करके हम ऐसे करेंगे, ओपन कर लेता हूं मैं इसको। अब देखो इसमें दो तरीके का क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसमें पूछेगा कि बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। तो ध्यान रखना ये जो है ना 4 देख रहे हो आप लोग, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होगा क्योंकि ये अंदर आए होंगे और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है एक, ये बाहर चला गया तो ये प्राइमरी वैलेंसी में चला गया। तो इसमें एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी आता है कि बताइए इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो आप क्या कहेंगे 4। दूसरी वाली बात है देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 होंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आयोनिक बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सारे टाइप के बॉन्ड होंगे। तो इस तरीके का एक एग्जांपल है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं,
जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, जैसे सपोज करिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा एसिडिक कैरेक्टर क्या, ऑर्डर क्या होगा। जनरली स्टूडेंट जो जानता हुआ अभी एक आध बच्चे से गलती हो जाती है, रीजन बताऊंगा मैं आपको क्यों गलती हो जाती है। देखो 1, 2, 3 और 4 आप लोग सारे बच्चे जानते हो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा माइनस आर होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो देखो माइनस आई और माइनस आर यहां भी है, यहां पे क्या है माइनस आई माइनस आर है और यहां पे क्या है माइनस आई है। तो अगर हम देखें तो माइनस आर को डोमिनेंसी दिखाते हैं, तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि डिस्टेंस वाइज ये पास है तो इसको लगा दो तुरंत एसिडिक कैरेक्टर में। इसका थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट चला गया। देखो ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, ये इंटरमॉलिक्यूलर है, तो हम सबसे पहले कौन सा लेंगे 3, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 4 और 1। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे जिसमें बहुत सारा माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा और इसमें एक ही बनेगा इसलिए इसका माइनस आर इफेक्ट कम आएगा। तो ये था हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और थोड़ा सा शेयर वगैरह करो, सब्सक्राइब वगैरह करो, कहने की बात थोड़ी ना है, ये सारी चीज़ें हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें कराएंगे आपको। शेयर करो और अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ कमी है, सब में कमी रहती है, हर किसी में रहती है, मुझ में तो है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करेंगे उसको अच्छा देने की, और भी अच्छा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।